हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपनी बॉडी को फुल डिटॉक्सिफाई हम कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, पूरी तरीके से पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। एंड होते होते इस वीडियो को आप समझ पाएंगे कि आप अपनी फुल बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, स्पेशली सोराइसिस पेशेंट जिनको स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम है, त्वचा रोग है, कोई भी एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, आर्थराइटिक सोराइटिक हो और सोराइसिस हो, स्कैल्प सोराइसिस हो, तो वो क्या है, आपके डाइजेशन, आपके लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी की गंदगी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे बॉडी को आप अपने डिटॉक्स कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो एक जो आपको एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा पसीना निकाले, जिससे बॉडी में सबसे ज़्यादा पसीना निकले वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आप एक्सरसाइज कीजिएगा। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो जितना बॉडी से आप पसीना बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आप जितना भी ज़्यादा पानी पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे, लिक्विड जितना यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो आपकी बॉडी डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको फोकस रखना है। इसके अलावा क्या होता है, जो भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जितने भी जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, वो आप फूड कंज्यूम करें तो उसमें आपको जो है बॉडी डिटॉक्स करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप फल और सब्जियां यूज़ करें, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ सोराइसिस में कौन से पेशेंट्स को जो है सोराइसिस पेशेंट्स को किन फलों और सब्जियों को अवॉइड करना, उन्हें छोड़ के आप फलों का जूस, सब्जियों का जूस और वेजिटेबल और जो फ्रूट्स आप खाएंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में। इसके अलावा नारियल पानी भी आप पी सकते हैं, लिक्विड भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो है इसमें जो है ना अच्छी नींद का बहुत ज़्यादा रोल है, अच्छी नींद आपको लेनी है 7 से 8 घंटे की अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं। और जो इसमें मेन चीज़ है, नींद भी हो गई आपकी, लिक्विड भी हो गया आपका, फल और हरी सब्जियां भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई है ना, इसमें एक एक्सरसाइज भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पॉज कर करके आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं है ना। तो ये आपको फोकस रखना है इन चीज़ों पे है ना, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी से पसीना निकालना है बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड रखें, लिक्विड पीना है, लिक्विड कंज्यूम करना है, वो आपका जो है पानी हो सकता है, वो आपका नारियल पानी हो सकता है, कुछ भी आप लिक्विड को ज़्यादा कंज्यूम कीजिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा और फल और सब्जियों का ज़्यादा सेवन कीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा है ना। और वीक में हफ्ते में एक बार उपवास ज़रूर रखिएगा जिसमें आपको लिक्विड लेना है, केवल पानी पीना है, तो उससे भी बॉडी जो है आपकी जो भी वीकली गंदगी होगी आपकी वो जो है उपवास से साफ़ हो जाएगी, बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो आपको डेली रूटीन में शामिल करनी है, उसमें आपका जो है लहसुन है, पत्ता गोभी है, चुकंदर है, और आपका लहसुन, पत्ता गोभी, चुकंदर और आपको अदरक, ये आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। ये आप यूज़ करके देखिएगा आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाएगी, आप खुद फुल फील करेंगे हल्का और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड, टॉक्सिन होते हुए आप खुद महसूस करेंगे। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा, फुल बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।